हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे कि आज जो हुआ, क्या हम उसके लिए तैयारी कर सकते थे? क्या ऐसा कुछ होने का चांस था? और इग्नोर करने की कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उन लोगों को जो लोगों ने भर भर के स्टॉक्स ऊपर खरीदे। क्या सही लेवल आ रहा है खरीदने का? और क्या हम 16,000 निफ्टी को तोड़ देंगे? मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ देंगे, क्योंकि अब इतनी पास आके मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है नहीं। 800 पॉइंट गिरा है आज निफ्टी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट वाइज फॉल है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। बैंक निफ्टी कुछ 2200 पॉइंट, 2100, 2100, 2200 पॉइंट गिरा है, 5.5-6%। मिड कैप 5%, आपका IT इंडेक्स ऑलमोस्ट 4.5%, आपका ऑटो है 6.2%, आपका फार्मा 3.4%। तो ये हालत है स्टॉक्स की। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो पूरे के पूरे निफ्टी 50 स्टॉक में सिर्फ हिंडाल्को ग्रीन में बंद हुआ है, वो भी 0.01, और सारे के सारे रेड में हैं। सबसे बड़ा जो लूज़र था वो था रिलायंस, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ रिलायंस में बिक्री आई है, काफ़ी सारे स्टॉक गिरे हैं। तो अब यहाँ से कहाँ जाना है? और ये आत्मचिंतन का समय है उन लोगों के लिए जो इस चैनल को अभी तक अंडर एस्टिमेट करते आए थे। हम छोटे भले हैं, कहते हैं ना, छोटा बम सुतली बम है हम लोग, ठीक है। और हम टुगेदर जितने भी लोग बच पाए हैं इस पूरे प्राकृतिक आपदा से, वो लकी नहीं है। उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें इसको फॉलो करना है, इस चीज़ को समझना है और सच्चाई पे जाना है, हवा हवाई पे नहीं जाना है, ठीक है। आज ही मैंने टीवी में सुना, सुबह खुलते ही अब इतना गिर गया है तो अब कितना गिरेगा, कितना, ये तो हमें भी पता है कितना गिरेगा, जीरो नहीं हो जाएगा, हमें भी पता है। लेकिन 18 से आप वही गाना गा रहे हो, ठीक है। 17,500 पे भी आ रहा, 17 पे भी, 16 पे भी, अभी 16,200 आ गया, 15,500 आएगा, फिर कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा, नेक्स्ट 1000 पॉइंट में कहीं ना कहीं अच्छा बेस बन जाएगा, खरीदने वाला समय आ जाएगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जिन्होंने भर भर के ऊपर खरीदा है और पैसे नहीं है एवरेज करने के, वो क्या करेंगे? जिनका पोर्टफोलियो 25% डाउन है और उन्होंने अपने पूरी सेविंग के 80-90% डाल दिए हैं, अब वो 10% डाल के भी उसको कितना एवरेज कर लेंगे? और ये सच बात है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हम हमेशा से बोलते आए कि आप जल्दी खरीद के हाई वैल्यू पे, कि यार कहीं मौका ना निकल जाए, फोमो जो कहते हैं, आप क्या हासिल क्या कर लोगे? आज जो ये मचलन हो रही होगी ना, कि कई लोग को उल्टियां हो रही होंगी, कई लोग को सर दर्द, पेट दर्द, सब कुछ दर्द शुरू हो गया होगा ऑलरेडी, ये चीजें बचाई जा सकती थी। पैसा बैंक में रख सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में मौके आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये एक लर्निंग है और लर्निंग को लर्निंग की तरह लीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा है, अब पैनिक में बेच के आपको 10% नीचे बॉटम बन जाएगा, फिर आप बोलोगे यार मैं बॉटम पे बेचता हूं, हाई पे खरीदता हूं, मार्केट खराब है, जुआ है। ऐसा नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि मार्केट आपके लिए क्या है। मार्केट तो ऐसा ही होता है, हाई पे आप हमेशा ग्रीडी होते हो, लो पे आप पैनिक पे रहते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि अब धीरे धीरे बाइंग एरिया आ रहे हैं। अगर आपने एवरेज नहीं किया है तो एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करने के लिए पैसे नहीं है तो चुपचाप बैठिए, सिंपल सी चीज़ यही है। और जितना डैमेज होना था, आपका टोटल जो डैमेज हो सकता था उसका 80% डैमेज हो चुका है, 20% डैमेज और हो सकता है। तो आप मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें एवरेज करिए या जो भी करिए आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब पॉइंट ये है कि क्या 16,000 टूट सकता है? डेफिनेटली निफ्टी में आज हमने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, 16,200 हमने बात की थी 16,200 की। कल मैंने रात में ट्विटर पे मैंने स्पेसेस किए थे, उसमें मैंने यही बात की थी कि 16,700 इस बार 850 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम नीचे गए तो टूट ही जाएगा, और 400 भी बस नाम मात्र के लिए रहेगा एक सपोर्ट की तरह, और हम 16,000 जा रहे हैं। इतने लोगों ने ट्रोल और जो भी कह लो रिमाइंडर लगा के कि भैया जिस दिन नहीं गया ना इसकी तो हम अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो भैया आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे गलत होने की इतनी बेसब्री से इंतज़ार था ना, मैं सही होने वाला हूँ, कुछ सोचा है क्या करने वाले हो? चरण इधर ही हैं, आशीर्वाद ले लो। मैं नहीं कह रहा ये सब मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन सही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी भी आत्मचिंतन करके नहीं समझ में आया है ना, तो कभी समझ में नहीं आएगा। और जिनको समझ में आया, जिनको समझ में आ गया, भरे देरी से समझ में आया, जिनको जल्दी समझ में आया, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, लाइक करो, शेयर करो। लाइक इतने होने चाहिए समझ में आए कि मेरा एफर्ट आपको बचाने का सार्थक रहा, जो नहीं बचे उनको भी समझ में आए कि अब हम चलो कम से कम सही जगह आ गए। तो ये आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दूसरी पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी 35,200 पहुँच चुका है और हमारा जो पिछला लो था वो 34,000 पे था। मुझे ऐसा लगता है कि 34,000
के आसपास फिर से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर 34,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता, दो तीन दिन हम यहाँ पे नहीं रुकते हैं, तो फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली 30,000 32,000 की तरफ जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को अब 2,200 पॉइंट गिरा है, तो दो तीन दिन में पहुँच सकता है काफ़ी नीचे। और आईटी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने अपनी लॉन्ग टर्म डेली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज ब्रेक की है गैप के साथ, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो मिड कैप ने बहुत पहले कर दिया था, बैंक निफ्टी ने आपका काफ़ी पहले आज किया है, एक्चुअली गैप के साथ किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी तोड़ दिया है और निफ्टी ने आपका आज गैप के साथ तोड़ दिया है, क्योंकि हम क्लोजिंग जो दी थी हमने वो ऑलमोस्ट उसी एरिया में दी थी। तो मेरा ये कहना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा गिरता जाएगा। अच्छे स्टॉक्स पिक करना शुरू कर सकते हैं। डिप आएगा, शार्प बाउंस आएगा। शार्प बाउंस अगर गैप अप खुलेंगे तो फिर सेल ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि ये अब फ्लक्चुएशंस बहुत वाइल्ड होंगे, तो इससे डरना नहीं है। जो बड़ा एक करेक्शन, जो पैसे बाहर जाने का जो दौर था, वो मोस्ट प्रॉब्ली 70% ओवर है। 30% और हो सकता है, थोड़ा आपको परेशान करेगा। 15,800 जाए या 15,500 जाए, आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टॉक्स देख के रखने हैं जो आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल जो यूक्रेन में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि ये बहुत ही फोटोज में आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए गुड सीन। जिस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली लोगों की कैजुअलिटी भी होगी, तो ये कोई बहुत खुशखबरी नहीं है। अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और जो एक्टिविटी हो रही है रशिया के द्वारा, इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस यू नो ह्यूमैनिटी। तो सीधी सी बात, मतलब यार फैला रहा हूँ मैं अपना देश संभाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे देश और चाहिए, सब चाहिए, सब फालतू की बातें हैं, फंडे हैं, लड़ने के तरीके हैं। तो मेरे हिसाब से ये यूक्रेन का इशू, अभी देखिए यूक्रेन फाइट नहीं कर सकता रशिया को। रशिया को डिफेंड करने के लिए आपको नाटो चाहिए, आपको अमेरिका चाहिए, आपको सब कुछ, सबको आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली इसमें समझौते होंगे, बहुत चीज़ें होंगे, सैंक्शन होंगे, रशिया का एकदम गला ये लोग पकड़ लेंगे सैंक्शंस के थ्रू। लेकिन मुझे नहीं लगता रशिया उसके लिए उससे झुकेगा, उसके लिए ऑलरेडी तैयार होके आया है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जब तक ग्राउंड पे फोर्सेस अमेरिका की नहीं आएंगी, अमेरिका की, नाटो, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली रशिया विल कैप्चर हाफ ऑफ दी यूक्रेन इन नेक्स्ट 24 to 48 hours, मुझे ऐसा लगता है। दिन रात ये चलेगा और ये डिप्लोमेसी चलती रहेगी, लेकिन फिर वही चीज़ है कि इट विल बी टू लेट फॉर इट। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी एक्शन होने हैं आज रात में होने हैं, या फिर डिप्लोमेसी स्टार्ट हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, जो भी होना है आज, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करना, हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल जाए, जैसे कई लोग कैरी किए होंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी आदत है, तो अगर कल को आपने कैरी कर लिया और अचानक से पुतिन बोला ओके वी विल टॉक, ओके वी विल हैव सम डिस्कशन, तो सडनली बाउंस भी दिखेगा, बाउंस में आपके पूरे पैसे चले जाएंगे। तो थोड़ी सी संभल के करिए, जिस दिन अच्छा आ गया ठीक है, थोड़ा पोर्शन उसका कैरी कर सकते हैं, 10% 20% ऑफ द प्रॉफिट, और बड़ा प्रॉफिट है तो, और छोटा है तो आप पूरा प्रॉफिट से ट्रेड कर सकते हैं, कैपिटल सेव करके रखें। तो ये फिलहाल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन्वेस्टर हैं तो आप धीरे धीरे अच्छे स्टॉक, जो आप तड़पते थे कि यार इस लेवल पे मिलेगा, उस काफ़ी सारे अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए स्कैटर्ड वे में। किसी भी एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर आपका वही है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर ठीक ठाक करेगा पूरा देश, अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा इकोनॉमी, तो डेफिनेटली हर स्टॉक कोई ज़्यादा बढ़ेगा, कोई कम बढ़ेगा, लेकिन सारे सेक्टर, कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी पोर्टफोलियो बनाते टाइम। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, और मुझे लगता है एक बार हम 15,500 टच करेंगे। 16,000 पे जो मुझे टीज और टैग करने की कोशिश कर रहे थे, सीरियसली आई फील पिटी फॉर यू गाइस, कि एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था, जब इतना दिमाग है कि किसी को ट्रोल टैग ये सब कर सकते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पोर्टफोलियो अपना देख लेते। लेकिन ठीक है, होता है, अब 2 साल पहले पैदा हुए एक्सपर्ट्स को फॉलो करोगे तो 6 महीने वाली दिमाग तो होगी ही। और 2014 में लास्ट टाइम यूक्रेन इशू हुआ था, उसके पहले डेट सीलिंग, बहुत सारे इशूज़ हैं जो 10 साल में हुए हैं, तो उनको जिन्होंने देखा है वही आपको बता पाएंगे क्या चीज़ हो सकती है। तो हमने आपको बताया था ऑलरेडी, ट्वीट आप मेरे जाके देख सकते हो, मैंने कहा था क्लियरली अपने टेलीग्राम पे, ट्वीट पे, पुतिन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ही इज़ जस्ट पासिंग टाइम, वो अपने जो प्लानिंग है उसको फुल करके, ही विल जस्ट अटैक, ही इज जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑफ अदर लीडर्स की हम बात करेंगे, बात करना होता तो पहले बात होती, इतनी सेना लगा के बातचीत नहीं होती है। तो ये मैंने क्लियरली कहा, तो मेरी क्लैरिटी जो है, अगर मैं गलत होता तो ठीक है, लेकिन एवरीथिंग फॉलिंग इन प्लेस,
इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, इट इज एक्सपीरियंस और जो मेहनत करके मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मुझे, मैं चुपचाप अपनी पोजीशन बनाता रहता, खूब पैसे कमाता रहता, आप लोग को बस बोलता रहता हाँ यार फॉलो करो ना जो सब लोग बोल रहे हैं, तो आपको शायद ज़्यादा मजा आता। लेकिन मैंने बताया है तो इसलिए, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बचाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अच्छे से, और यूक्रेन इशू पर नज़र रखिए। यूक्रेन इशू आपको बाउंस भी दिलाएगा और बाउंस सेल ऑफ भी होंगे, तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब सिर्फ एक तरफ मूव नहीं है, बाउंस भी शार्प, फॉल भी शार्प, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, और ये सभी रीज़न हैं कि मार्केट क्रैश हुआ है। लेकिन मार्केट क्रैश के रीज़न सिर्फ यूक्रेन नहीं है, फेड है जो लिक्विडिटी ऑलरेडी टाइटन करना शुरू कर दिया है, LIC का IPO है उसके चक्कर में पोर्टफोलियोज बेचना शुरू कर दिए हैं, और आपका फिर यूक्रेन का इशू है, और UP इलेक्शन तो है ही, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर एंड वॉच दिस चैनल, बिकॉज सच हम लोग लाते हैं, और अगर आपको ख्याली दुनिया और ख्याली पुलाव की दुनिया में जीना हो तो प्लीज़ जो कोविड के बाद पैदा हुए एक्सपर्ट्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।